आपकी नीट 2025 की जर्नी को आसान बनाने के लिए हमने एक नई सीरीज लॉन्च की है यूट्यूब पे, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। इस कॉन्सेप्ट ऑफ द डे को इस ऑर्डर में बनाया गया है जो फ्रीक्वेंटली आस्क टॉपिक के सिंक में है, मतलब जो जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में कवर करेंगे। और अगर आप शुरू से भी देख रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को तो भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और वो कॉन्सेप्ट के सवाल आपके नीट एग्जाम में चुटकियों में बन जाएगा। तो इस सीरीज को पूरा एंड तक फॉलो कीजिएगा और चलिए आज के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बेटा, हमारा सुपर 100 बैच चल रहा है नीट 2025 का। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है, कुछ सीट्स बची हैं, फटाफट नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके इनरोल कर लीजिए और अपनी नीट 2025 की जर्नी में चार चांद लगाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर के बाद वीडियो को लाइक करना मत भूलना और नीचे कमेंट कर देना कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। थैंक यू। अब बात करते हैं सेल थ्योरी की, आपकी सेल थ्योरी की आपकी, ठीक है। तो भैया क्या था, ध्यान से सुनना। अब इसके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं जहां पे आप कंफ्यूज होते हो, तो यहां पे फोकस आपका रहना और एनसीईआरटी का लैंग्वेज और ध्यान से सुनने की कोशिश कर, तो एक साइंटिस्ट था 1838 में, क्या नाम था इस भाई साहब का? इन भाई साहब का नाम था मैथियास स्क्लेडेन। जो डेट मैं लिखा रहा हूं वही डेट आएगा, ठीक है, मैथियास स्क्लेडेन, ठीक है। कहां से थे भाई साहब, इस पे भी सवाल आया हुआ था। तो ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट, ही वॉज अ जर्मन तो मैथियास क्लेडन भाई साहब एक थे हमारे, जो एक जर्मन बॉटनिस्ट है। बॉटनिस्ट क्या करता है, बॉटनी क्या पढ़ता है, प्लांट पढ़ता है, आपको पता है, ठीक है। तो क्या हुआ, इन्होंने खूब सारे प्लांट्स देखे और उन प्लांट्स को देख के बोला कि भैया देखो जितने प्लांट्स हैं ना वो क्या चीज का बना हुआ, वो सब सेल का बना हुआ है ना, है ना, ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने, ही एग्जामिन एग्जैक्टली एनसीईआरटी का लाइन है, तो तुमको दोबारा एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ना, एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, एंड ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, एंड ऑब्जर्व ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। अब यही सेल टिश्यू बनाएगा और एक टिश्यू से प्लांट काम करेगा, विच फॉर्म्स टिश्यूज, विच फॉर्म्स टिश्यूज, है ना। तो सेल से टिश्यू बना और यही टिश्यू प्लांट का सारा फंक्शन करता है। आपने देखा ना, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, है ना, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, आपने देखा है। तो यही मैथियास क्लेडन भाई साहब ने बोला, ठीक है। उसके बाद 1839 में, थोड़ा सा उसी टाइम, ठीक है, एक जुअलॉजिस्ट थे जिनका नाम था थियोडर श्वान। कहां के जुअलॉजिस्ट थे सर, इस पे भी सवाल आया, तो ही वॉज अ ब्रिटिश जुअलॉजिस्ट, ही वॉज अ ब्रिटिश, ठीक है, डेट याद रखना 1838 1839, ठीक। इन्होंने क्या किया, देखो ध्यान से सुन, पहला पॉइंट, इसे पॉइंट लिखना, लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहीं पे आप कंफ्यूज होते हो तो इसको ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट इसने क्या बोला, क्या, ही स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल। सबसे पहले एनिमल सेल पढ़ा, जूलॉजिस्ट था तो क्या पढ़ेगा पहले, एनिमल सेल। तो ही स्टडीड
डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स, ठीक है, एंड एंड रिपोर्टेड दैट दे हैव अ थिन, ध्यान से सुनना, दे हैव अ थिन आउटर लिविंग मेम्ब्रेन, ध्यान से सुनना क्या वर्ड यूज करा, थिन आउटर लिविंग मेम्ब्रेन। क्या नाम था इस लिविंग मेम्ब्रेन का? इस लिविंग मेम्ब्रेन का नाम था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसने डिस्कवर जरूर किया बट टर्म नहीं बोला, ध्यान से सुनो मेरी बात, डिस्कवर जरूर किया इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट टर्म क्वाइन नहीं किया था इन्होंने, ठीक है। तो इसने एनिमल सेल तो पढ़ा ही पढ़ा, ठीक है, साथ ही साथ भाई साहब शाने ज्यादा थे, इसने प्लांट सेल भी पढ़ना स्टार्ट किया, बोला कि भैया स्केलेटन को कैसे मैं लेने दूंगा। तो ही क्या कहा, ही कंक्लूडेड दैट ही कंक्लूडेड दैट प्लांट सेल्स हैव एन आउटर लेयर कॉल्ड सेल वॉल। तो प्लांट सेल के पास एक और एडिशनल लेयर था जिसको सेल वॉल कहते थे। तो भैया ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, अगर मैं पूछूं सेल वॉल किसने डिस्कवर किया तो थियोडोर श्वान, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने डिस्कवर किया तो थियोडोर श्वान, है ना, बट किसने बोला कि प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स तो मैथियस क्लेडन। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, ठीक है। क्या सर उसका एक ट्रिक है, अगर वहां पे श्वान लिखा है तो श्वान के वर्ड दिख रहा है तो मतलब एनिमल है, मतलब जूलॉजिस्ट है। ओ माय गॉड, बेटा पापा भी तुम्हारे ऐसे याद रखे हैं तुम्हारा नाम, है ना, ज्ञान प्रकाश दिख रहा है मतलब ज्ञानी है, तो मेरा ही बच्चा है ना, इसी तरह से नाम याद रखे हैं तुम्हारा, बेटा बहुत ज्ञानी है आप, सब चीज के लिए ट्रिक रखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा है, हर चीज में ट्रिक नहीं चाहिए, जहां ट्रिक चाहिए होगा वहां ट्रिक बता दिया जाएगा, इधर ट्रिक की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैथियस क्लेटन और थियोडोर श्वान की हमने बातचीत पूरी कर, ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों ने मिला के सेल थ्योरी प्रपोज की, इन दोनों ने मिला के सेल थ्योरी प्रपोज की। तो अभी आ गया था, रुक जाओ, तो इन दोनों ने मिला के सेल थ्योरी प्रपोज की, ठीक है। तो टुगेदर दे फॉर्म्यूलेटेड द सेल थ्योरी। क्या था सर सेल थ्योरी मेरा, पॉस्टुलेट सेल थ्योरी का पहला, क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, या तो सेल का बना हुआ डायरेक्टली या प्रोडक्ट ऑफ सेल का बना, मतलब सेल से टिश्यू बन गया, टिश्यू से ऑर्गेन बन गया, है ना। तो ऑल लिविंग organisms are composed of cells and products of cells,
प्रोडक्ट्स ऑफ, ठीक है सर, ठीक है सर, अच्छा ये तो बात हो गया कि मुझे ये पता चल गया कि भैया सेल आया, ठीक है, बट ये कोई नहीं बता पा रहा था कि पहला सेल कैसे आया या सेल डिवाइड कैसे कर रहा है। तो यहां पे फिर 1855 में एक और साइंटिस्ट थे, इनका नाम था रुडोल्फ विर्चौ। क्या नाम था इनका? इनका नाम था रुडोल्फ विर्चौ, एंड इन्होंने एक मंत्र दिया, ठीक है, इस मंत्र के उच्चारण से आप सबका नीट निकल जाएगा। क्या मंत्र था सर? मंत्र था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, रोज सुबह शाम बोलना है ना, जिसका तात्पर्य है सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्या? सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है, ठीक है सर। तो हमें यह पता चल गया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या चीज के बने हैं, तो भैया सेल के बने हैं, ठीक है, और एक सेल कैसे बन रहा है, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से नया सेल बन रहा है, डिवाइड करके बन रहा है कि नहीं? ठीक है सर, क्या सेल थ्योरी का एक्सेप्शन भी है? हाँ जी सर, इसका एक्सेप्शन है। कौन है इसका एक्सेप्शन भाई साहब? इसका एक्सेप्शन है वायरस। क्यों? क्योंकि वायरस जो है ए सेल्यूलर होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो वायरस क्या होते हैं सर? ए सेल्यूलर होते हैं, मतलब सेल तो यहां पे प्रेजेंट ही नहीं है, ये सिर्फ न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है, तो इट इज ए सेल्यूलर। तो भैया ये ना लिविंग है ना डेड है, ठीक है सर। तो ये पूरा सेल थ्योरी अपना डंडना डंडन हो गया। सेल थ्योरी से एक सवाल आने की बहुत जोर से प्रोबेबिलिटी होती है, तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। पहला, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय, किसने बोला था? देखे साइंटिस्ट का नाम पे सवाल आया हुआ, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला रुडोल्फ विर्चौ, ठीक है। एरिस्टोटल को हम लोग क्या कहते हैं? ही इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, अगर जिसको नहीं पता लिख लो, एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक। अच्छा अब देखो, बहुत पुराना सवाल है लेकिन काम का है। क्या? विच इज करेक्ट अबाउट सेल थ्योरी इन व्यू ऑफ द करेंट स्टेटस ऑफ द नॉलेज अबाउट सेल स्ट्रक्चर। देखो क्या, इट नीड्स मॉडिफिकेशन ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। क्या बोला पहला पॉइंट? इट नीड्स मॉडिफिकेशन ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्या फर्क पड़ता है, फिर भी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ मेरा क्या है? सेल ही है, ठीक है। मॉडिफाइड सेल थ्योरी मीन्स दैट ऑल लिविंग बींग्स आर कंपोज ऑफ सेल केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। सब सेल केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग होता है? नहीं, सब सेल केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग नहीं होता। तो भैया ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। सेल थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वायरस। बिल्कुल सही बात है, हमने बताया था अभी तुमको कि ये एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर सी हो गया, है ना। बढ़िया क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, राइट।